विपक्षी एका के ताजा उद्घोष ने भाजपा सिरमौर को भी अपनी रणनीतियां बदलने को मजबूर कर दिया है। कभी एकला चलो के पुरकश्तान पर इठलाने वाले अब संबित स्वरों की वकालत करने लगे हैं। इसका नजारा एनडीए के डिनर में देखने को मिला, जब पीएम मोदी ने एक बदली भंगिमा के साथ एनडीए के 38 घटक दलों से बराबरी की भागीदारी और बराबरी की जिम्मेदारी का आह्वान किया। सत्ता शीर्ष के शिखर पुरुष साथी दलों के दिल में जगह बनाने के लिए उनके डिनर टेबल पर जाकर बैठे। पीएम जिस टेबल पर बैठे वहां पहले से एकनाथ शिंदे, जीतनराम मांझी, नागालैंड के नेफ्यू रियो और तमिलनाडु के पलानी स्वामी जैसे नेता बैठे थे। सरकार के नंबर दो अमित शाह ने जिस डिनर टेबल पर मोर्चा संभाला था वहां जनसेना नेता और तेलुगु फिल्मों के बड़े हीरो पवन कल्याण विराजमान थे। यह और बात है कि एनडीए में गिनती बढ़ाने को शामिल आधा से ज्यादा दलों के पास एक भी जीती हुई सीट नहीं है, पर यह वोटों के गणित को प्रभावित करने का मादा रखने वाले दल हैं। इसके अलावा भाजपा कर्णधारों ने यह भी रणनीति बुनी है कि एनडीए में शामिल तमाम दलों को 10-10 के ग्रुप में बांटा जाएगा और ऐसे किसी एक ग्रुप का प्रभारी और सह प्रभारी सीनियर मंत्रियों को बनाया जाएगा जो इन दलों से कोऑर्डिनेशन का काम देखेंगे। मोदी और शाह को जब भी इन घटक दलों से मिलना होगा इनमें से एक ग्रुप की तरह मिलेंगे, यानी एनडीए इंडिया को बराबर का जवाब देने के लिए बाकायदा अपनी कमर कस चुका है। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।